भीष्म पितामह जी को प्यास लगी तो अर्जुन ने अपना शक्तिशाली बाण निकाल के धरती में छोड़ा और वहां से गंगा की जलधारा निकली, इधर में प्रवेश हुई थी। ये जो स्थान है ये रियल में ही प्राचीन स्थान है, इसी जगह पे ये लेटे हुए थे। 18 दिन इनका युद्ध चला टोटल, तो ये 56 डे बाणों की सैया पे लेटे रहे। भीष्म पितामह जी को पता था कि ये कौरव पांडव तो मेरी सिर्फ प्यास बुझाएंगे, मेरे लिए जल लेके आए हैं। इनको मालूम था कि अर्जुन ही है जो मेरे को मेरी माता जी के दर्शन करवाएगा। तो अर्जुन ने जो बाण मार के जल की धारा निकाली, वो जल के रूप में इनकी माता जी इनके पास प्रवेश हुई। पहले वो जल की धारा इनके मुख में गिरी, इनकी प्यास बुझाई, फिर उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया गंगा माता जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज हम आप सभी को दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि में, यानी कि कुरुक्षेत्र में। ये है पीछे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको कहा जाता है बाण गंगा यहाँ पे, और भीष्म पितामह जी का मंदिर है। मंदिर आपको बैक साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे। ये है बाण गंगा, जो कि कहा जाता है कि 5,500 वर्ष ये प्राचीन है। अंदर यहाँ पे चल के हम आप सभी को दर्शन कराएंगे, यहाँ की कथा सुनेंगे, यहाँ का क्या महत्व है वो जानेंगे, और आप सभी को यहाँ के जितने भी लीला स्थली है उसकी आज आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम भी यहाँ पे पहली बार आए हैं और आप सभी को दर्शन कराने के लिए आए हैं स्पेशली, और स्वयं दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं अंदर मंदिर के। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में आप हमें बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का एड्रेस बताना चाहता हूँ। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इसका नाम है बाण गंगा, और इसको तीन नामों से इसको जाना जाता है। बाण गंगा के नाम से, बाण गंगा नाम कैसे पड़ा, जब भीष्म पितामह जी को प्यास लगी तो अर्जुन ने अपना शक्तिशाली बाण निकाल के धरती में छोड़ा और वहाँ से गंगा निकल गई जल की धारा, और इनके मुख में इनकी प्यास बुझाई।
तो बाणगंगा नाम पड़ गया। भीष्मा कुंड, एक आप बाहर में देखा है आपने एक भीष्मा कुंड बना हुआ, तो उसको हम भीष्मा कुंड बोलते हैं। तो अर्जुन ने वहीं पे अपना शक्तिशाली बाण जिसका नाम था पारजन्यास्त्र, तो वहाँ पे मारा और वहाँ से गंगा की जलधारा निकली, इधर में प्रवेश हुई थी। क्योंकि मंदिर तो वैसे बाद में बनाया हुआ है 1972 में, ये जो स्थान है ये रियल में ही प्राचीन स्थान है, इसी जगह पे ये लेटे हुए थे। 18 दिन इनका युद्ध चला टोटल, तो ये 56 डे बाणों की सैया पे लेटे रहे सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में। दक्षिणायन के दिन लगे हुए थे, ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति दक्षिणायन में अपने प्राण त्यागे तो अच्छा नहीं माना जाता। तो इन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की बाणों पर लेटे लेटे 56 डे, वो लगता है सूर्य उत्तरायण मकर संक्रांति में, तो मकर संक्रांति में फिर इन्होंने अपने प्राण शरीर त्याग दिए इन्होंने 56 डेज। हाँ जी हाँ जी 56 डे, उतने दिन ये तो ऐसे ही लेटे। हाँ जी बाणों पे। हाँ जी, क्योंकि दक्षिणायन के दिनों में मृत्यु अच्छा नहीं होता, कोई भी इंसान अपने प्राण त्यागे अच्छा नहीं माना जाता, उसकी उसको अगला जन्म जो है कि अच्छा मतलब माना नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान अगर उत्तरायण में अपने प्राण त्यागे तो वो सीधा विष्णु भगवान जी के चरणों में जाता है और उनको अच्छा जन्म प्राप्त होता है अगले जन्म में, इसीलिए इन्होंने भी उत्तरायण में अपने प्राण त्यागे थे। तो ये इनका परिवार है जी, 5 पांडव, इनका जो पांडव थे द्रौपदी, ये गंगा माता जी है, देखो गंगा माता जी, श्री कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो द्रौपदी माता जी है साइड में। तो ये गंगा माता जी के पुत्र भीष्म पितामह। तो जब इनको भीष्म पितामह जी को प्यास लगी तो सबसे पहले इनके कौरव पांडव इनके लिए सोने के पात्रों में जल लेके आए, तो इन्होंने किसी के हाथों से जल को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। क्योंकि भीष्म पितामह जी को पता था कि ये कौरव पांडव तो मेरी सिर्फ प्यास बुझाएंगे, मेरे लिए जल लेके आए हैं, इनको मालूम था कि अर्जुन ही है जो मेरे को मेरी माता जी के दर्शन करवाएगा। तो अर्जुन ने जो बाण मार के जल की धारा निकाली, वो जल के रूप में इनकी माता जी इनके पास प्रवेश हुई। पहले वो जल की धारा इनके मुख में गिरी, इनकी प्यास बुझाई, फिर उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया गंगा माता जी। तो इसी को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है और इसी को भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। और एक खास बात यहाँ की ये है कि जो यहाँ पे जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे तो इन्होंने यहाँ पे एक पाठ किया था विष्णु सहस्त्र नाम का, युधिष्ठिर को सुनाया था, पांडवों को सुनाया था। ये पाठ यहाँ पे करना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जितना भी हमारे यहाँ दो दक्षिण भारत के लोग आते हैं यहाँ पे, साउथ, तमिल, तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं वो इनका पाठ जरूर करके जाते हैं इधर में। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान जी के 1000 नाम है, तो वो जिसने यहाँ पे पाठ कर लिया बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। मैं इतना ही बता पाऊँगा सर। महाराज जी बहुत आनंदपूर्वक आपने वैसे कथा सुनाई, बहुत आनंद आया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यात्रीगण जैसे दर्शन करने आएंगे तो हमें अभी हमने दर्शन करे कुछ समय पहले ब्रह्म सरोवर के, तो हमें बताया गया कि वहाँ पे 365 स्थान ऐसे हैं जो महाभारत से संबंध है उनका, तो ये पूरी भूमि को कहा जाता है कि ये महाभारत की युद्ध भूमि रही है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये युद्ध जो है ये 48 कोस में युद्ध हुआ, एक कोस में 3.25 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो 48 कोस में युद्ध हुआ तो टोटल 156 किलोमीटर स्क्वायर फुट में युद्ध हुआ। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये नरकातारी है, आगे थोड़ा हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गीता उपदेश स्थल, वो जो है गीता उपदेश वो सेंटर पॉइंट माना जाता है, वहाँ से युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता को उपदेश दिया था, तो वो सेंटर पॉइंट है, वहाँ से युद्ध की स्टार्टिंग हुई। तो 48 कोस में युद्ध फैल गया। अब ये पहले देखो प्लेन एरिया था, किसी का घर नहीं था, किसी का मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल समथल एरिया था। अब जैसे जैसे कि समय के हिसाब से मकान बन गए, घर बन गए, कि तो कंस्ट्रक्शन चली हुई है, थोड़ा पुरानी चीज़ों भी थोड़ा ख़त्म हो चुकी जी, है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो वो पुरानी चीज़ें तो रही नहीं, ज्योतिषर में आपको ज़रूर मिलेगी एक चीज़ जो कि हकीकत में पुरानी है, वहाँ पे एक वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता का उपदेश दिया था, वो वृक्ष आज भी
6,500-6,700 साल पुराना है। हमारे जितने बुजुर्ग पीढ़ी से पीढ़ी आगे इधर चली गई है, वो भी ऐसे ही बोलते थे कि वो जैसे वो पेड़ है वो ऐसा कैसे ही है ना, वो कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। और मैं यहाँ के आपको मेन मंदिर बता देता हूँ, जो मेन है। सबसे पहले है सर ज्योति सर, गीता उपदेश, जो भी टूरिस्ट आएगा सबसे पहले उधर। दूसरे नंबर पे हम अभी खड़े हैं बाण गंगा, इसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का महत्व है, यहाँ भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्यागे थे, इनको पानी पिलाया था, गंगा प्रकट की थी अर्जुन ने, धरती में बाण मारा था। तो तीसरे नंबर पे है ब्रह्म सरोवर, जो बहुत बड़ा सरोवर है। उस सरोवर में दुर्योधन छुपा था, वहाँ पे पिंडदान भी किए जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं अपने जो बुजुर्गों के पिंडदान भी करते हैं वहाँ पे, वो महत्व है। तो चौथे नंबर पे है भद्रकाली शक्तिपीठ, वहाँ पे भद्रकाली माता जी का दाहिना पैर गिर गया था वहाँ पे, वो युद्ध भूमि का प्राचीन मंदिर है। उसी के बैक साइड में है थानेश्वर महादेव मंदिर, वो भी युद्ध भूमि का, वो भी प्राचीन मंदिर है। तो ये सर पांच मेन मंदिर है जिसमें टूरिस्ट का जाना जरूरी है, जाता ही जाता है। वैसे तो जैसे आप बोल रहे हो, हकीकत बात है 365 से भी ज्यादा मंदिर है कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि सारी जगत में तो युद्ध ही हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी भी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक से एक मंदिर बन रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, पांच मेन मंदिर है वो मुख्य स्थान है। हाँ, वो बिल्कुल वहाँ पे जाना टूरिस्ट का बहुत जरूरी है। बहुत आनंद आया आपसे कथा जान के महाराज जी, आपको शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा मनीष, मनीष बहुत अच्छा लगा महाराज जी यहाँ पे कथा सुन के। राधे राधे।
आज हमने आपको यहाँ पे दर्शन कराए भीष्म पितामह जी के यहाँ पे, जो यहाँ पे कथा हमने सुनी, जो दर्शन हमें हुए, उसका आनंद हम किसी भी रूप में हमेशा की तरह जो कहते आए हैं कि व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जो दर्शनों का आनंद मिलता है वो आप स्वयं ही ले सकते हैं जब आप दर्शन करने आते हैं ऐसे स्थानों में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की स्वयं लीला हुई भी है। आज हम उस स्थान पर आए और आनंदपूर्वक दर्शन किए और आप सभी को कराए भी। आप सभी को यहाँ पर दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोशिश हम यही कर रहे हैं आप सभी के लिए कि आप सभी को हम अनसीन प्लेस का दर्शन कराएं। हालांकि ये यहाँ के दर्शन शायद आपने किए होंगे पहले, लेकिन हमारे चैनल पे ये पहली बार है जो हम आप सभी को आज यहाँ पर लेके आए हैं, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि में लेके आए हैं और आप सभी को यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो हम आज सभी को आप सभी को दर्शन करा रहे हैं और दर्शन कर भी रहे हैं। आई होप कि आपको आनंद आया हो यहाँ पे दर्शन करके, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और ज़रा सा भी अगर आपको आनंद आया है तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दर्शन पहुंच सके जो दर्शन आप सभी नहीं कर पा रहे हैं जाके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को भीष्म पितामह जी के यहाँ से राधे राधे।